तो अपन डिस्कस करेंगे कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है। एक्चुअली मैंने स्लोप का मीनिंग आपको बताया है कि स्लोप क्या होता है, कैसे फॉर्मूला रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप का लॉस बाय गेन से। अपन लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप देखते हैं। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लॉ ऑफ डिमांड में कैसा रहता है, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन इनवर्स रहता है। जैसे प्राइस बढ़ती है डिमांड कम होती है, अगर प्राइस कम हो रही है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी, अपसाइड अपवर्ड जाएगी। ठीक है, नेगेटिवली इनवर्सली स्लोप्ड। अब ये देखो, ये जो है ना नेगेटिवली और इनवर्सली स्लोप, इसका मतलब क्या है, वही सेम बात है जो मैंने इसको डिफरेंट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखने हैं, अपने सारी डाउट्स क्लियर कर लो। इसको ही मैंने दूसरी फॉर्म में कैसे लिखा है, नेगेटिवली और इनवर्सली स्लोप, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी। और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। तो ये जो टर्म्स है ना, इसको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेट लाइन डिमांड फंक्शन। अच्छा, अब ये क्या है, मतलब अपना जो डिमांड कर्व है वो ऐसे बनता है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, लीनियर डिमांड फंक्शन। अब ये स्ट्रेट लाइन और लीनियर डिमांड फंक्शन क्या है, मैं आपको डिमांड शेड्यूल से समझाऊंगी। अभी अपन देखते हैं आगे क्या है, हूज स्लोप इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, जब मैं आपको डिमांड शेड्यूल बताऊंगी, मैं आपको स्लोप निकालना बताऊंगी ना, तब आपको ये लाइन क्लियर होगी। ठीक है, अपन एक बार आगे देखते हैं, फिर मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर आउट करूंगी। स्लोप क्या होता है, लॉस बाय गेन। अपन ने पीपीसी भी पढ़ा है, अपन ने प्राइस और बजट लाइन भी पढ़ा है, अपन ने बताया है स्लोप क्या होता है, लॉस बाय गेन। और अपन इसको और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, और इसको मैं अदर फॉर्म में क्या लिख सकती हूँ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिवाइडेड बाय डिपेंडेंट वेरिएबल। और आई कैन से इन अदर टर्म्स, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ठीक है, तो मैं ये रब कर रही हूँ क्योंकि अपन ने इस पॉइंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो अपन को ये पॉइंट डिटरमाइन करना है, तो बोर्ड पे स्पेस नहीं है, तो मैं ये लाइन रब कर देती हूँ।